और यशवी का हलवा रेडी हो चुका है। थर्सडे है और इनका आशीष का ऑफ है, तो इन्होंने अवतार मूवी आई है तो इन्होंने उसको सुबह सुबह का टिकट बुक कर दिया कि देखने चलेंगे और 10 बजे मेरा मूवी को देख के वो कुछ नहीं था, बस 4DX वाली बात थी। हाँ, मेन चीज ये थी 4DX में, चलो उसमें देख लेते हैं, लॉजिक्स में 4DX वाला सिनेमा है तो हम वहां जा रहे हैं। सुबह 10 बजे का शो है हमारा और इतनी सुबह सुबह ना कुछ खा कर आए, जल्दी जल्दी निकल कर आए हैं और उसमें भी लेट हो रहे हैं, बस 10 मिनट बच रहे हैं और अभी घर से निकले हैं। हाँ। और पहले कुछ खाएंगे फिर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे क्योंकि यार बिना खाली पेट तो क्या ही कुछ करेंगे। और मुझे आदत हो रही है 11:30 बजे उठने की। हाँ, तो आज मैं भी जल्दी उठ गई हूँ, मम्मी मम्मी की हेल्प करा दी है जो काम करना है जल्दी उठ के आज, तो अब मैं तब आई हूँ कि हाँ अब ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो मम्मी को ज़्यादा वो नहीं होगा। तब हम जा रहे हैं और फोग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा और ठंड इतनी है कि धूप तो खैर मतलब ही नहीं है अभी निकलने का बिल्कुल भी। और इनको इतनी जल्दी 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 रेडी हो, जल्दी रेडी हो, मैंने कहा रुक तो जाओ, हो रही हो रेडी, अब क्या खिलाओगे? छोले भटूरे। छोले भटूरे आया बहुत दिन हो गए खाए हुए, इवन मैं सोची थी मैं बनाऊंगी और मैंने कहा कि सबके गले वले खराब हो रहे हैं, तबीयत खराब चल रही है तो भी रह रहे हैं। और मेरा फोन, और मेरा हाथ भी कांपने लग गया फोन पकड़ पकड़ के, ये ठंड का असर है, ठंड का असर। मैं अपने घर से आई थी ना तो मेरा ये था कि मैं वेट कम करके आऊंगी, तो मैंने 2 किलो कम करा वेट, है ना। अब वो बात अलग है कि मैं इसमें ज्यादा फिर मोटी दिख रही हूँ, वरना मेरा फेस बहुत स्लिम हो गया था। मुझे आते ही मम्मी ने नोटिस किया, मैंने कहा एक हफ्ता हो गया तुम आए हुए और एक हफ्ते में वापस 2 किलो गेन हो गया। तो यार ये है ना, यहाँ पे मेरा घूमना नहीं हो पाता, वहाँ पे मेरी एक्सरसाइज चलती थी, घूमना होता था, है ना, समझे। अपना घर अपना होता है भाई, पूरे दिन 11-12 बजे उठी हूँ मैं वहाँ पे, मतलब लेट उठने से वेट कम हो रहा है। वेट कम क्या, फिर कुछ नहीं, अपना एक्सरसाइज पे लग गया उठ के, कोई टेंशन वेंशन है नहीं। रात को 9 बजे खाना खाया और 10:30 बजे तक घूमी, ऐसे मजा। हाँ जी, छोले भटूरे आ गए हैं, बहुत तेज मुझे भूख लग गया। हम हो गए हैं लेट काफी, मूवी तो मैं निकल गई है, 15 मिनट लेट हो गया। हाँ, तो 15 मिनट भी कम खाओ ना। सब कुछ बंद है, या तो लेट आती हूँ या तो जल्दी आ जाती हूँ कि सब कुछ बंद मिलता है। ये टेक्निक है बीवी हाँ। से बचने की। अच्छा, कि ऐसे टाइम पे लाओ। अच्छा, जब सब पता है जितने मूवी खत्म होगी ना इतने ना सब कुछ खुल जाएगा, तो ज्यादा खुश मत हो। ओ, ये क्रिसमस की डेकोरेशन है ना, ट्री अच्छा लग रहा है ना। ब्यूटीफुल। लेट हो रहा है, जल्दी चलो। खुश हो रही है शीशे में देख देख के, कह रही अच्छी लग रही हूँ। कहाँ अच्छी लग रही, कहाँ अच्छी लग रही हूँ। तो हम जैसे ही हॉल पहुँचे हमें लगा कि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मूवी आधे घंटे से वहाँ ट्रेलर ही दिखाए जा रहे थे और 10 बजे का शूट था, 10:30 बजे शुरू नहीं निकली। तो इसमें आपको मूवी में दिख रहा होगा कि हमारी जो वीडियो काफ़ी हिल रही है, वो इसलिए क्योंकि जो मूवी थी वो 4DX थी, तो इसके वजह से ना हमारी जो हम चेयर पर बैठे हुए थे वो सब बहुत ज़्यादा हिल रही थी। और देखो मैं इस टाइम हिल रही हूँ, देख ही सकते हो आप, मुझे सामने वाले जितने भी बैठे हुए हैं सब हिल रहे हैं। अगर मैं ना एक्सपीरियंस बताऊँ उसमें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि जब हम दुबई गए थे तो वहाँ पे वार्नर्स एंड ब्रो में हम गए थे, तो वहाँ पे जो हमने मूवीज़ देखी थी उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया कि ओके ओके वाला था। मूवी का बताओ कैसे लगे? बहुत लंबी थी, 3.25 घंटे की, और कोई इंटरवल नहीं,
कि बीच में उठ के जाए। सबसे गलत चीज तो यही है ना कि बीच में ब्रेक नहीं मिला। हाँ, मतलब हमें ये था कि अब होगा इंटरवल, अब होगा इंटरवल, अब होगा, फिर हम सोचने लगे यार चल अब होने वाला है, होने वाला, अब 2 घंटे हुए, 2.5 घंटे हुए, 3 घंटे हुए। और यशवी के मुंह पे बार बार वो उसमें पानी वानी आता है, सीट हिलती है तो पानी आ रहा है यशवी के मुंह पे बार बार, और पूरा मेकअप धुल गया। प्लीज है ना दादा, मेकअप मैं करती नहीं हूँ, मेकअप धुल गया। हाँ जी, क्या कह रही थी? और यशवी का हलवा रेडी हो चुका है। हलवा है, हलवा घर में बना खिला दोगे? ठीक है, ना और किस चीज से बनाओगी? ये बर्फ की ट्रे होती है, बर्फ होती है नीचे इसमें, पागल है। अच्छा हमको सिखा रही है, देखने में टेस्टी लग रही है। देखना अपने आप को देखे जा रही है, और मैं कह रहा हूँ जो खरीदना खरीद, और चल मान ही नहीं रही, कह रही है सबसे बढ़िया तो मेरी लग रही है, बार बार कह जा रही है, बार बार कह जा रही है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई 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 आई, शॉपिंग मेरी हो गई है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बट हाँ मेरा हो गया। पतियों के कितने फायदे होते हैं। अब जा रहे हैं हम इंदिरा मार्केट, जिसमें मेरे को ना अपनी साड़ी का दुपट्टा बनवाना है। अब हम यहाँ पे अपनी कॉफ़ी के लिए आए हैं, और फ्राइज वगैरह मेरा मन है फ्रेंच फ्राइज खाने का। तो यहाँ पे हम दोनों अपनी रील्स बना रहे थे, और पीछे एक लड़की ना घूर रही थी, वो तो देख ही रहे होंगे आप, तो इतने बड़े खुश कि पीछे मुझे कोई देख रहा है, मुझे देखो देखो ये लड़की देख रही है। मैंने कहा हाँ इतनी भी सुंदर नहीं हो कि आपको देखेंगे सब, तो अपने अपनी अपनी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हर जगह, देखो मुझे देख रही है, मुझे देख रही है। क्या हुआ? सब ने सोचे हैं इतने इतना खाएगी तो ही मोटी होगी। और आलू से तो ज्यादा ही मोटा होता है, तो यार आलू नहीं छोड़ सकती मैं, चाहे मोटी हो जाऊं। इतना थक गए हैं ना आज बहुत ज्यादा, शक्ल पे भी 12 बज गए हैं मेरी तो। आज ये मेरे से बोल रहे थे कि आज कैसा आई हो लड़कियों की तरह, कुछ नहीं किया हुआ, सिंदूर भी नहीं लगाया हुआ। मैं ऐसे कि क्यों नहीं लगाया, मैंने कहा ये देखो, तो कहते हैं अच्छा अच्छा हाँ लगा। तो यहाँ पे ये अपने लिए दिख रहे हैं शादी के लिए, ऊपर वैसे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक लग रहा है इनको। शॉपिंग वगैरह हमारी सारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। अब बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। आई कितना सुंदर लग रहा है वो कलरफुल, आधे घंटे मुश्किल से 1 किलोमीटर चले होंगे, इतना गंदा ट्रैफिक है। अब मैं हो गया हूं पागल। घर से फोन आ रहे हैं कि सुबह से निकले हुए हो, इतना टाइम हो गया,
पर थोड़ा कार वगैरह का भी काम कराया था इन्होंने, और उसके बाद इनके कपड़े वगैरह के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया था हमें, पर पहुंच जाएंगे। तो गाइस मैं ये व्लॉग ही एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि हमें जाम में आधा घंटा हो गया है फंसे इतने, मतलब इतने थक गए हैं ना। हमारी जो अराइविंग टाइम थी घर पहुँचने की 8 बजे से पहले की थी, बट अब 8:30 दिखा रहा है, और पता नहीं यार बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक और है, ये ऐसे ही जाम फंसे रहेंगे ऐसे में ही। और इनको तो भूख भी लगी है, कह रहे हैं भूख लगने स्टार्ट हो गई। तो चलिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही आएगा, नहीं मेरा नहीं हमारा नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है आस्क मी एनीथिंग वाला, जो हम वो डालते हैं। हाँ, तो जो मैंने सब जो क्वेश्चंस किए थे, नेक्स्ट व्लॉग हमारा वो आएगा। कितने 2-3 दिन में 2-3 दिन में आ जाएगा। तो चलिए बाय बाय, एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर, कीप सपोर्टिंग, बाय।